नमस्कार, एक रोचक समाचार के साथ मैं हूं दिनेश गौतम और आप देख रहे हैं आपका फैसला। रोचक समाचार यह है, जब एक पार्षद ढालपुर मैदान में पेपर टाइलों को हटाने के लिए स्वयं पहुंची, पार्षद ने स्वयं जो है जो वहां पर गंद पड़ा हुआ था, पेपर टाइलें जो उखाड़ी हुई थी उनको हटाया, और जब मीडिया के सामने पार्षद आई, जब मीडिया ने देखा कि आखिर पार्षद क्या करी है, तो पता चला कि ढालपुर मैदान के सुंदर्यकरण का कार्य चला हुआ है और पिछले 10 वर्षों से तो चला ही है। आप सभी जानते हैं कि ढालपुर मैदान का सुंदर्यकरण हर वर्ष होता है, हर वर्ष पेपर टाइलें लगाई जाती है, हर वर्ष रेलिंगें लगाई जाती है, फिर उखाड़ी जाती है, फिर लगाई जाती है, फिर रंग लगाया जाता है, फिर जो है उखाड़ी जाती है, फिर पेपर टाइलें उखाड़ी जाती है, फिर लगाई जाती है। इसी क्रम में आज जो है एक रोचक समाचार मीडिया को मिला, मीडिया को यह रोचक समाचार मिला कि पेपर टाइलों को उखाड़ा गया था, उखाड़ी हुई पेपर टाइलें कई दिनों से वहां पर पड़ी हुई थी, लोगों के बच्चे वहां पर गिर रहे थे, आम जो लोग जो है बसों से वहां पर उतर रहे थे वो जो है वहां पर गिर रहे थे, फिसल रहे थे, दुर्घटना का अंदेशा बन गया था। लोगों ने शिकायत की पार्षद को कि ये क्या चला हुआ है, ये क्या मसला है, और पार्षद ने फोन किया ईओ को और पार्षद ने फोन किया जेई को कि जल्द से जल्द यहां पर लेबर भेजी जाए, लेकिन लेबर नहीं पहुंची और पार्षद खुद वहां पर पहुंची और उन्होंने जो है पेपर टाइलों को हटाया और रास्ता साफ कर दिया और ढालपुर मैदान साफ कर दिया। तो रोचक समाचार है कि एक पार्षद के पास, एक पार्षद को स्वयं वहां पर पहुंचना पड़ा। हालांकि पार्षद ने बाद में मीडिया को यह बयान दिया कि हो सकता है कि हमारे पास लेबर की कमी हो सकता है कि लेबर कहीं और व्यस्त थी, और हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं, गौर रहे कि कुल्लू में, कुल्लू नगर परिषद में कांग्रेस का कब्जा है, कांग्रेस की नगर परिषद है, लेकिन पार्षद जो सफाई कर रही थी, जो पेपर टाइलें हटा रही थी, भाजपा समर्थित पार्षद है। हो सकता है कि कुल्लू नगर परिषद भाजपा समर्थित पार्षदों पे काम नहीं हो रहे हो, और आप खुद देखिए, स्वयं देखिए किस तरह पार्षद जो है नगर परिषद के मैदान में पेपर टाइलों को हटा रही है, साफ कर रही है। कुल्लू ढालपुर का जो माल रोड का काम जो यहाँ पे चला हुआ था, उसके चलते जो आपने देखा था कला केंद्र के जो साथ लगता रास्ता है वहाँ पे पेवर निकाले गए थे, और वहाँ पे लोगों को काफ़ी दिक्कत चलने के लिए आ रही थी। और आज मैंने नगर परिषद जेई और ईओ से भी रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें मैसेज भी भेजा था कि जो है लेबर को भेज कर यहाँ पर इन पेवर को हटाया जाए, क्योंकि आज महिलाओं का भी मुझे फ़ोन आया था कि इन पेपरों को हटाया जाए क्योंकि काफ़ी दिक्कत यहाँ पे आ रही है। लेबर की शायद कमी थी और लेबर समय पे पहुँच नहीं पाई, और 3 बज चुके थे, जिसे देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, और इसी के चलते मैं स्वयं जो है वहाँ पे पहुँची और हमने पेपर का काम खुद भी किया। और एक जो नगर परिषद के मजदूर जो हमारे रमणीक पार्क में काम करते हैं उन्हें मैं अपने साथ ले गई थी, और हम दो लोगों ने मिलकर जो है यहाँ पर पेपर। आपका फैसला टीवी के लिए धनेश गौतम की रिपोर्ट।